यहां पर तुम लोग ये देख सकते हो, मैंने एक बड़ा सा मेंशन, बड़ा सा विला डाला है GTA 5 में अपना, बहुत ही ह्यूज जाइगेंटिक मेंशन है ये। अब ये मैंने मैप एडिटर की मदद से ही डाला है, मैप एडिटर के बगैर ये नहीं डल सकता, मेन्यू वाले इतने बड़े इतने ह्यूज मेंशंस नहीं हो सकते। अब ये मैप एडिटर से कैसे डालना है वो मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा तुम लोगों को, और कोशिश करूंगा जितना इजीली हो सके तुम लोगों को डालना सिखा दूं। तो चलो मैप एडिटर डालना सीखते हैं, फिर ये वाला बंगला, ये वाला मेंशन भी डालेंगे, बहुत ही बड़ा आलीशान मेंशन है। तो दोस्तों मैप एडिटर डालने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में 4-5 लिंक दिए हुए हैं। सबसे पहले लिंक को खोल लो तो तुम्हारे सामने स्क्रिप्ट हुक वी खुल जाएगा। स्क्रिप्ट हुक वी अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने मेन्यू में जो डाला था वो पुराना वर्जन था, ये स्क्रिप्ट हुक वी का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन आ चुका है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो ये 18 दिसंबर 2022 का वर्जन है। तो हमने सिंपली सबसे लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेना, जिसका मेन्यू ट्रेनर में इशू आ रहा था या GTA 5 में स्क्रिप्ट हुक वी का इशू आ रहा था, एरर आ रहा था, वो सारा हल हो जाएगा ये वाला डालने से, लेटेस्ट वर्जन डालने से। तो इसको तुम लोगों ने सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है और इसको स्टार्ट डाउनलोड कर दूंगा। अब जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा इसको फिलहाल क्लोज कर दो, और फिर सेकंड लिंक जो मैंने दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में वो GitHub का है, scripthookv.net का। उस लिंक को क्लिक करोगे तो scripthookv.net लेटेस्ट वर्जन वाला तुम्हारे सामने आ जाएगा, 3.6.0। ये देख सकते हो तुम लोग बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, दिसंबर 29, 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। तो GTA 5 में जो भी इश्यूज आ रहे होंगे वो इस वर्जन को डालने से scripthookv.net के एरर्स खत्म हो जाएंगे और तुम्हारा GTA 5 बिल्कुल सही चलने लग जाएगा, मेन्यू ट्रेनर भी बिल्कुल सही चलेगा। तो अब तुम लोगों ने बिल्कुल नीचे आ जाना है इसमें, बिल्कुल जैसे ही नीचे आ जाओगे तुम्हारे सामने ये एसेट्स में नजर आएगा कि दिसंबर 29, 2022 को जो फाइल डली हुई है, zip फाइल जो है scripthookv.net की, इस पर क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे स्टार्ट डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, फिर से डिजायर्ड फोल्डर में अपने जो भी फोल्डर हो उसमें इसको सेव कर लेना और इसको स्टार्ट डाउनलोड करोगे तो ये विद इन सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगा, बहुत छोटी फाइल होती है, इसको भी फिलहाल बंद कर दो। और तीसरा लिंक जो है वो नेटिव यूआई का लिंक है, ये भी डालना बहुत ज्यादा जरूरी है मैप एडिटर के साथ साथ। तो इसको लिंक को क्लिक जैसे ही करोगे तुम्हारे सामने नेटिव यूआई खुल जाएगा डाउनलोड होने के लिए, ये भी बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। तो तुम लोगों ने सिंपली क्या करना है, यहाँ जो डाउनलोड का बटन नजर आ रहा है इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, पीछे एक पॉपअप आएगा उसको बंद कर देना और इसको डाउनलोड कर लोगे। इसके बाद जो हमारा चौथा लिंक है वो मैप एडिटर का लिंक है, बेसिकली मैप एडिटर GTA5mods.com वाली वेबसाइट से डलेगा। तो इस वेबसाइट पर जैसे ही तुम लोग आओगे चौथे लिंक को क्लिक करोगे तो तुम्हारे सामने मैप एडिटर आ जाएगा, लेटेस्ट वर्जन वाला, 2022 वाला, बिल्कुल लेटेस्ट वाला, जिसमें सब कुछ कर सकते हो, रैम वगैरह भी लगा सकते हो। ये भी मैं डालना सिखा दूंगा कि ये सब कुछ कैसे करना है तुम लोगों ने। सिंपली इसके डाउनलोड बटन पर तुम लोग क्लिक करोगे, जैसे ही इसके डाउनलोड बटन पर क्लिक करोगे तुम्हारे सामने दूसरा पेज खुल जाएगा हमेशा की तरह। तो डाउनलोड तुम लोगों ने कर लेना। तुम लोगों को मैं एक गाइडेंस दे देता हूं कि GTA 5 mods की वेबसाइट पर तुम लोग जब जाओगे GTA5-mods.com, तो तुम लोगों ने कैसे उसको सर्च करना है कि सारे मैप एडिटर वाले विलास मेंशन और बहुत सारी जो भी चीजें मैप एडिटर से डल सकती हैं वो आ जाएं। तो तुम लोगों ने सिंपली GTA 5 mods की वेबसाइट पर आना है, सर्च में लिखना है मैप एडिटर। जब तुम मैप एडिटर लिखोगे तो जो भी चीजें मैप एडिटर से हो सकती होंगी GTA 5 में वो सारी की सारी सामने शो हो जाएंगी। जैसे यहां पर तुम लोग देख सकते हो ये मैप एडिटर भी आ गया, मैप एडिटर के बाद मैप बिल्डर आ गया। मैप बिल्डर भी डालना सिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में डालना सिखाऊंगा, मैप बिल्डर से भी काफी सारे चेंजेस हो सकते हैं। ये विला भी है, ये भी देख सकते हो मैप एडिटर ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन कलर में, यानी ये मैप एडिटर के थ्रू ही इंस्टॉल होगा। आप अपनी इंप्रूवमेंट भी कर सकते हो, वर्ल्ड इंप्रूवमेंट का भी मैप एडिटर पे ऑप्शन होता है। याट वगैरह डाल सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी याट हो जाएंगी। सिटी लाइट्स वगैरह की सेटिंग वगैरह भी जो होती है वो भी मैप एडिटर से ही होती है। ये वाला विला भी डाल सकते हो, ये भी बहुत अच्छा विला है, बहुत आला हाउस बना हुआ है। इसके अलावा ये डायनासोर वगैरह भी डाल सकते हो। इसके अलावा जो हमने मेंशन शुरू में डाला था वो ये वाला मेंशन है, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स मेंशन। अच्छा, इसका लिंक जो है वो मैंने फिफ्थ लिंक जो दिया हुआ है इस वीडियो में वो म्यूजिक प्रोड्यूसर मेंशन का है। तो उस लिंक को जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारे सामने GTA 5 mods पर म्यूजिक प्रोड्यूसर मेंशन 6.0 खुल जाएगा। और देख सकते हो तुम लोग बहुत ही आलीशान, बहुत ही जाइगेंटिक ह्यूज मेंशन है, मिलियन डॉलर मेंशन है, बहुत ही आला मेंशन है। तो तुम लोगों ने सिंपली क्या करना है, तुम लोगों ने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे सेकंड पेज खुल जाएगा, सेकंड पेज पर भी डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे और अपने डिजायर्ड फोल्डर में इसको बाकी सारी चीजों के साथ डाउनलोड कर लोगे। अब मैं सिखाऊंगा इसके बाद के सारी चीजें इंस्टॉल कैसे करनी है ताकि तुम्हारा मैप एडिटर चल जाए और हम ये वाला मेंशन डाल पाए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैंने GTA 5 का मेन डायरेक्टरी, मेन गेम फोल्डर जो है वो खोल लिया, जिसमें देख सकते हो मेन्यू स्टफ भी है, और दूसरी तरफ मैंने अपना मॉड्स वाला फोल्डर खोल लिया जहां पर मैं अपनी सारी फाइल्स डालता हूं। यहां पर देख सकते हो स्क्रिप्ट हुक वी डाला हुआ है, .net डाला हुआ है, नेटिव यूआई डाला हुआ है, मैप एडिटर और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स मेंशन। तो अब हम सिंपली ये करेंगे कि सारी की सारी फाइल्स को एक फोल्डर बना के, अलग अलग फोल्डर्स बना के रिस्पेक्टिवली इनको सारे फोल्डर्स में डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने फोल्डर बनाना है स्क्रिप्ट हुक वी का, फिर .net का, नेटिव यूआई का, मैप एडिटर का और म्यूजिक प्रोड्यूसर मेंशन का। तो पहला फोल्डर हम लोग बना लेते हैं स्क्रिप्ट हुक वी का, स्क्रिप्ट हुक वी।
ये फोल्डर मैंने बना लिया स्क्रिप्ट हुक वी का। ये स्क्रिप्ट हुक वी के फोल्डर के बनने के बाद ऊपर जो स्क्रिप्ट हुक वी का जो फाइल है जिप फाइल जो है उसको हम लोग खोलेंगे और स्क्रिप्ट हुक वी के फोल्डर को भी खोल लेंगे और यहां से ये जो एक्सट्रैक्टेड फाइल्स हैं इनको कॉपी पेस्ट कर देंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे ताकि ये इस फोल्डर में आ जाए। यहां से हम लोग वापस चले जाते हैं और फिर हम सेकंड फोल्डर बनाएंगे स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट का। यहां पर मैं बना लेता हूं स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट का फोल्डर। ये मैंने स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट का फोल्डर बना लिया। अब यहां से जिप फाइल को खोलता हूं और स्क्रिप्ट हुक वी डॉट नेट के फोल्डर को खोलता हूं और ये सारी की सारी फाइल्स को मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया न्यू वाले फोल्डर में। वापस चले जाएंगे, वापस जाने के बाद अब हमने बनाना है एक नया फोल्डर नेटिव यूआई का। नेटिव यूआई का फोल्डर बना लेता हूं और नेटिव यूआई को ऊपर से खोल लेता हूं। नेटिव यूआई को सेलेक्ट करके इसको भी फोल्डर में डाल दूंगा मैं, जो मैंने न्यू फोल्डर बनाया। तो मैं नेटिव यूआई का न्यू फोल्डर खोल लेता हूं और यहां से नेटिव यूआई को पकड़ के यहां पर मैं ड्रॉप कर देता हूं तो नेटिव यूआई भी इसमें डल जाएगा। वापस जाता हूं, वापस जाने के बाद अब हमें मैप एडिटर का फोल्डर बनाना है। मैप एडिटर का फोल्डर बना लेता हूं, मैप एडिटर इसको लिख लेता हूं और मैप एडिटर के फोल्डर में ये जिप फाइल्स जो हैं सारी की सारी मैप एडिटर की कंप्लीट इन सारी की सारी फाइल्स को मैप एडिटर के फोल्डर में पेस्ट कर देना है। तो मैप एडिटर का फोल्डर खोल लेता हूं, ये मैंने मैप एडिटर का न्यू बनाया हुआ फोल्डर भी खोल लिया, यहां से सारी फाइल्स को सेलेक्ट किया और इनको इधर ड्रॉप कर दिया तो ये कॉपी पेस्ट हो गई। इसके बाद में वापस चले जाऊंगा और ये देख सकते हो चारों के चारों फोल्डर्स बन चुके हैं। अब हमने आखिरी फोल्डर अपना बनाना है म्यूजिक प्रोड्यूसर मेंशन का, तो ये वाला फोल्डर मैं बना लेता हूं म्यूजिक प्रोड्यूसर मेंशन। ये वाला फोल्डर भी बन गया। अब इस फोल्डर में म्यूजिक प्रोड्यूसर मेंशन की जो जिप फाइल है उसको उठाकर पेस्ट करना है, तो मैं ये फोल्डर खोल लेता हूं। ये फोल्डर में म्यूजिक प्रोड्यूसर मेंशन की कंप्लीट के कंप्लीट फाइल को कॉपी पेस्ट कर देता हूं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं। तो ये हमारे पास चारों के चारों पांचों के पांचों फोल्डर्स बन चुके। अब हमने सिंपली इन सारी की सारी फाइल्स को उठाकर GTA 5 के मेन फोल्डर में, गेम फोल्डर में, मेन डायरेक्टरी में डालना है और हमारा मैप एडिटर डल जाएगा और ये वाला मेंशन, ह्यूज जाइगेंटिक मेंशन, खूबसूरत सा मेंशन भी डल जाएगा। तो चलो तुम लोगों को डालना सिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पर GTA 5 की गेम डायरेक्टरी में मेन फोल्डर में तुम लोगों ने दो फोल्डर्स बनाने हैं। अब इसमें दो फोल्डर्स जो बनाने हैं वो पहले हम बना लेते हैं। पहला हमारा फोल्डर होगा स्क्रिप्ट्स का, SCRIPTS स्क्रिप्ट्स लिख दोगे और दूसरा जो फोल्डर बनेगा वो मैप्स का बनेगा, MAPS मैप्स। ये स्पेलिंग के साथ बता रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, सारा स्मॉल में ही लिखना, कुछ भी कैपिटल मत करना। ये दोनों फोल्डर जब बन जाएंगे तुम्हारे सामने तो चीजों को उठाकर हमने इनमें ही पेस्ट करना और मेन डायरेक्टरी में पेस्ट करना है, बस यही करना है और हमारा मैप एडिटर डल जाएगा। सबसे आसान तरीन तरीका ये। तो दोस्तों सबसे पहले अब हमने स्क्रिप्ट हुक वी डालना है, इसको अपडेट कर लेना है। तो स्क्रिप्ट हुक वी में जाकर बिन में जाएंगे और यहां पर जितनी भी फाइल्स हैं तीनों की तीनों फाइल्स को राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद GTA 5 की गेम डायरेक्टरी के खाली स्पेस में यहां पर पेस्ट कर देंगे। जो खाली जगह है बिल्कुल यहां पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है हमने, किसी फोल्डर या फाइल पर पेस्ट नहीं करना। अच्छी रिप्लेस का साइन इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि मेरा पहले से स्क्रिप्ट हुक वी है तो इसको मैंने अपडेट कर लेना है, लेटेस्ट वर्जन पर ले आना है ताकि ये लेटेस्ट वर्जन हो जाए और मेरा कोई भी मसला नहीं आए मैप एडिटर में। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं फाइल को, यहां पर देख सकते हो डिनपुट और नेटिव ट्रेनर और इसके साथ साथ यहां पर स्क्रिप्ट हुक वी डॉट डीएलएल, ये तीनों की तीनों फाइल्स आ चुकी हैं। अब इधर हम इस फोल्डर में मॉस के फोल्डर में बैक चले जाएंगे, हमने जो सेकंड फोल्डर बनाया था डॉट नेट का वो खोल लेंगे, इसकी सारी फाइल्स को हमने राइट क्लिक करके कॉपी करना है और यहां पर GTA 5 के गेम फोल्डर में खाली जगह पर इसको पेस्ट कर देना है ताकि ये भी रिप्लेस हो जाए, ये भी लेटेस्ट वर्जन पर रिप्लेस हो जाएगा। इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग, यहां पर देख सकते हो इसकी सारी फाइल्स आ गई। अब इधर हम बैक चले जाएंगे और नेटिव यूआई वाला फोल्डर खोल लेंगे, नेटिव यूआई वाला जो फोल्डर है इसकी फाइल को हमने कॉपी करना है और हमने इसको स्क्रिप्ट्स में पेस्ट करना है, जो हमने नया फोल्डर बनाया था उसमें इसको पेस्ट करना है, मेन डायरेक्टरी में पेस्ट नहीं करना। यहां पर ये पेस्ट हो गया, इसके बाद लास्ट में मैप एडिटर वाला फोल्डर खोलना है, सारी की सारी फाइल्स को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके कॉपी करना है और स्क्रिप्ट्स वाले फोल्डर में ही नेटिव यूआई जहां पर पहले से डला हुआ है इधर इसको पेस्ट कर देना है। नेटिव यूआई पहले से ही था, ऑलरेडी इसमें भी मौजूद था मैप एडिटर में भी, इस वजह से वो रिप्लेस का साइन दिखा रहा है, तो हमने उसको रिप्लेस कर देना है कि मैप एडिटर वाला नेटिव यूआई आ जाए और वो रिप्लेस हो जाए और मैप एडिटर अच्छे से चल जाए लेटेस्ट वर्जन वाला। यहां पर दोस्तों हमारा मैप एडिटर की सारी फाइल्स डल चुकी हैं। अब हमने सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर मेंशन डालना है, म्यूजिक प्रोड्यूसर मेंशन को हम लोग मैप्स में डालेंगे जो हमने नया फोल्डर बनाया था। मैप्स का फोल्डर देख सकते हो अभी बिल्कुल खाली है, तो हम म्यूजिक प्रोड्यूसर मेंशन को खोलेंगे, यहां पर वाई मैप से भी डाल सकते हो, यहां पर रीडमी फाइल वगैरह भी है लेकिन हम वाई मैप से नहीं डालेंगे, हम मैप एडिटर से डालेंगे क्योंकि बहुत आसान हो जाएगा उससे। यहां पर ये विद पीपल है और ये विदाउट पीपल भी है, विद पीपल वाले को खोल लेंगे और यहां पर ये जो XML फाइल है इसको हमने मैप्स का जो नया फोल्डर बनाया था उसमें राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर देना है, बस सिंपल सा ये काम करना है हमने और हमारा ये मैप लोड हो जाएगा, ये मेंशन लोड हो जाएगा।
विदाउट पीपल वाले पर भी जाएंगे हम लोग, और इसको भी हम लोग यहां से कॉपी करके मैप्स के मेन फोल्डर में डायरेक्ट इसको पेस्ट कर देंगे, ताकि हमारे पास विथ पीपल भी हो जाए और विदाउट पीपल भी हो जाए। तो ऐसे हमारा मेंशन कंप्लीटली डल चुका है। अब हम GTA 5 सिंपली खोलेंगे और उसमें मेंशन डाल के देखेंगे कि हमारा मैप एडिटर चलता है या नहीं चलता, और उससे मेंशन लोड होता है कि नहीं लोड होता विद पीपल वाला बहुत सारे लोगों के साथ, ताकि हैवी नजर आए कि हाँ हमने बड़ी फाइल एक डाली है, बहुत ही ज्यादा हैवी फाइल डाली है और वो अच्छे से चल रही है मैप एडिटर। हाँ तो दोस्तों यहां पर मैंने GTA 5 खोल लिया है। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगाएगा लोड होने में, क्योंकि एडजस्टमेंट करता है। लोड होने के बाद तुम लोगों ने सिंपली क्या करना है, तुम लोगों ने F7 का बटन दबाना है। ये देख सकते हो F7 का मैंने बटन दबाया तो ये मैप एडिटर लोड हो गया। इसमें यहां पर ऑप्शन आ जाएंगे। इसका मैं तुम लोगों को बता दूं, ये माउस के रोलर से चलता है, स्क्रॉलिंग रोलर से चलता है, बटन से नहीं चलता, ASDF से भी नहीं चलता, ऊपर नीचे करने वाले बटन से भी नहीं चलता। और एंटर दबाकर इसको खोल सकते हैं, माउस के बटन से क्लिक करके नहीं खोलना, नहीं चलेगा। एंटर दबा के खोलना, माउस के बटन से क्लिक करके खोलोगे तो ये अटक जाएगा, जब एंटर दबा के खोलोगे तो ये चल जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग आएंगे लोड मैप पर। लोड मैप पर जैसे ही हम लोग आएंगे हमारे सामने ये सारी फाइल्स आ जाएंगी। स्क्रॉल करके हम लोग नीचे आ जाएंगे फाइल चूजर पर। फाइल चूजर पर जब हम आएंगे तो हमारे सामने ये मैप्स आ जाएगा जो हमने नया फोल्डर बनाया था। मैप्स में जाएंगे, यहां पर एंटर दबा के मैप्स में जाएंगे। जैसे ही हम मैप्स में जाएंगे यहां पर देख सकते हो म्यूजिक मेंशन 6 भी है और म्यूजिक मेंशन 6A भी है। तो हम लोगों ने म्यूजिक मेंशन 6A डालना है जिसमें लोग थे, विद पीपल था। तो इस पर हम लोग एंटर दबा देंगे और ये लोड होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो ये लोड होना शुरू हो गया है। मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। अच्छा, ये बहुत बड़ा मेंशन है, बहुत हैवी फाइल है, तो ये लोड होने में काफी टाइम लगाएगा। नीचे दिखाता रहेगा लोडिंग मैप जैसे ही अभी दिखा रहा है। तो तुम लोगों ने सब्र तहम्मुल से पेशेंटली बैठ जाना है बिल्कुल, और इसको लोड होने देना है। जब ये कंप्लीट लोड हो जाए तभी इसमें कुछ भी करना है, वरना गेम क्रैश हो सकता है, क्योंकि बहुत हैवी फाइल होती है ये। जब यहां पर सारे लोग आ जाएं और ये हिलना झुलना शुरू कर दें, पार्टी करना शुरू कर दें, तो समझ जाओ ये लोड हो चुका है कंप्लीटली। तो दोस्तों देख सकते हो यहां पर ये कंप्लीट मेंशन लोड हो चुका है। इसमें सारे के सारे लोग भी आ चुके हैं जो कि अपनी पार्टी वगैरह में लगे हुए। देख लो फ्रैंकलिन और लमार तो सामने ही नजर आ रहे हैं, और बहुत ही आलीशान, बहुत खूबसूरत सब मेंशन है। ये बहुत आला बंगला है और सबसे हटके बिल्कुल पहाड़ी पर बना हुआ है टॉप पर। तो दोस्तों मैंने कोशिश करके जो इजिएस्ट तरीन तरीका मैं ढूंढ सकता था मैप एडिटर डालने का, वो मैंने बता दिया है। सारे के सारे स्टेप्स एग्जैक्टली फॉलो करोगे तो तुम्हारा लोड हो जाएगा। बहुत से मेरे पास ऐसे लोग आते हैं इंस्टाग्राम पर जिनको मुझे बकायदा स्टेप बाय स्टेप गाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो वीडियो को सही देखकर उसके स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे होते। तो वीडियो को सही तरह से देखा करो, स्टेप्स को बारी बारी पॉज करके या स्पीड हल्की करके एग्जैक्टली फॉलो कर लिया करो, ताकि तुम लोगों का इजिली लोड हो जाए, हर चीज हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों ये जो मेंशन मैंने डाला है इसका कंप्लीट हाउस टूर नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा, लाजमी दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत आला मेंशन है, तो हाउस टूर इसका लाजमी बनता है। तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में इसका हाउस टूर करके दिखाऊंगा। अगर कोई भी चीज समझ में ना आई हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी इश्यूज आ रहे हो, तो कमेंट कर दो। कमेंट का तो तुम लोगों को पता ही है, मैं लाजमी जवाब देता ही हूं। और हाँ, ये देखो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो यार, सब्सक्रिप्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सारी हर तरह की तुम लोगों की ख्वाहिशात, तुम्हारी डिमांड्स पूरी कर देता हूं मैं, लेकिन मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, बहुत कम सब्सक्राइबर है। तो आगे शेयर करो वीडियोस ताकि सब्सक्राइबर्स आए, थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो यार, ताकि मेरा भी चैनल मोनिटाइज हो जाए और मुझे भी थोड़ा फायदा हो जाए, जैसे तुम लोगों को फायदा होता है। और हाँ, लाइक जरूर कर दिया करो यार, कोई भी लाइक नहीं करता, वीडियो देखकर सारे चले जाते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता, तो मुझे समझ में कैसे आएगा कि तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी। तो लाइक जरूर किया करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस घर का हाउस टूर तुम लोगों को दूंगा। आज के लिए इतना ही है, टेक केयर, बाय बाय।